स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता, बहुत ही आसान तरीके से, जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 2 बॉयल आलू लिए, 1 टेबलस्पून अरारोट, थोड़ा पनीर, क्वांटिटी के हिसाब से हमने ऐसे इतना लिया है। और इसके अंदर हमें डालने के लिए थोड़ा मलाई चाहिएगी। कुछ मलाई हम प्यूरी में यूज करेंगे, 1/2 चम्मच सॉल्ट, सॉल्ट हम कम ज्यादा टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और प्यूरी बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज के प्याज जो हमने कट कर लिए हैं, 4 टमाटर, इनकी रेशो हमने 2:4 का लिया है, 2 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, 2 हरी मिर्च, लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून हमने मक्खन लिया है प्यूरी बनाने के लिए। मक्खन से प्यूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मलाई को हम थोड़ा प्यूरी में भी यूज करेंगे। अगर हमने बिना प्याज के सब्जी बनानी है तो उसके अंदर हमें थोड़ा दही ऐड करना पड़ेगा और प्याज नहीं यूज करेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हम कद्दूकस से भी कर सकते हैं ताकि कोई मोटा टुकड़ा नहीं रहेगा। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। 2 आलू से कम हम 5 जनों के लिए सब्जी बना सकते हैं। इनको मिक्स करके हमें एकदम मलाई की तरह कर लेना है। इसमें थोड़ा नमक मिला लेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर मिला लेंगे। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम भी मिला सकते हैं, उससे भी आप कोफ्ते बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। अब हम इस डो से कोफ्ते बनाते हैं। इसकी शेप आप गोल भी दे सकते हो और लंबी भी दे सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा मलाई भरेंगे। मलाई डालते टाइम इतना ध्यान रखना कि कहीं से कोफ्ता खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो मलाई सब घी में आ जाएगी और कोफ्ता फट जाएगा। इसको हर तरफ से बंद कर देना। इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब हम प्यूरी बनाने के लिए गैस को ऑन करते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। थोड़ा गर्म होने पे हम इसमें जीरा डालेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, 4 लौंग लिए हैं, 2 इलायची, खड़े मसाले सब हल्के हल्के भूनने हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने हल्का भूनना है, ब्राउन नहीं करना। दो हरी मिर्च कट करके डाल रही हूँ। अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे। इसमें 1/2 बाउल पानी डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। हमने ये स्लो गैस पे रख दिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। इसमें मैं 7-8 टुकड़े काजू के डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको हम जार में शिफ्ट कर देंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है। इसमें मक्खन डालेंगे। 1 टेबलस्पून हमने मक्खन लिया है। मक्खन में मलाई कोफ्ते की ग्रेवी की बात ही अलग है। अब इसमें मसाले डालेंगे, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक। मसाला भून चुका है, अब इसमें प्यूरी डाल देंगे। अब इस प्यूरी को अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका रेड कलर ऊपर नहीं आ जाए। गैस को हमने मीडियम पे रखा है।
इसको भूनने में 2-3 मिनट लगेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भूरा चीनी डालेंगे। हल्का सा मीठा इसमें अच्छा लगता है, ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मलाई छोड़ेंगे। ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब हम कोफ्तों को तल लेंगे। ये मैंने फ्रीजर में 15 मिनट के लिए रखे थे। इसमें मलाई सेट हो चुकी है। घी को हमने बहुत गर्म भी नहीं करना है और ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम मीडियम। बहुत तेज होगा तब भी कोफ्ते फट जाएंगे। अब हम कोफ्ते को करी में मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कोफ्ते को करी में नहीं डालना, करी को कोफ्ते में डालनी है, क्योंकि मलाई कोफ्ता बहुत सॉफ्ट होता है। इस पे थोड़ा फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं डेकोरेशन के लिए।